हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ आई फ्लू के बारे में। आजकल दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा आई फ्लू फैल रहा है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आई फ्लू क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से आई फ्लू फैलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है किसी को आई फ्लू है, मैं उसको देख लूँगी तो मुझे भी हो जाएगा, जबकि ये सही नहीं है। किसी को देखने भर से आपको आई फ्लू नहीं होगा, तो आप इस बात को लेकर चिंता बिल्कुल ना करें। तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं आखिर आई फ्लू क्या होता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि बरसात के मौसम में आंखों का वायरस तेजी से फैल रहा है, कि बहुत ही आपके मन में आता ना यार सब कुछ सही था थोड़े दिन पहले, अचानक से इतना आई फ्लू क्यों फैल रहा है। तो आपको पता होगा कि दिल्ली में इस टाइम पर बाढ़ बढ़ाई हुई थी, ठीक है, और उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसी कारण से क्या होता है, जब मानसून आता है ना तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है, और अगर हम उस टाइम पर अपना खास ख्याल नहीं रखते हैं तो बहुत सारे वायरस की हम चपेट में आते हैं। इसी कारण से हमको आई फ्लू भी हो रहा है। वैसे तो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, बट क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है इसीलिए बड़ों में भी हो जा रहा है। तो ये जो बीमारी है भी ना, जो भी दिक्कत है, ये बहुत टाइम नहीं लेती है, अपने आप ठीक भी जाती है, लेकिन फिर भी इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आई फ्लू ना हो हमें उसका बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए। तो लिखा हुआ है ये बरसात के मौसम में तेजी से इसका वायरस फैल रहा है। आंखों के इन्फेक्शन मतलब आई फ्लू को हम आई कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस को उसको हम पिंक आई भी कहते हैं, क्योंकि जो आंखें होती हैं थोड़ी सी ना गुलाबी गुलाबी सी जाती हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम पिंक आई भी कहते हैं। फिर कह रहा है इसमें इन्फेक्शन होने वाले व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। कह रहा है इसमें जिन व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, भले लाल हो जाती है लेकिन कहते हैं उनको हम पिंक आई, ठीक है। फिर कह रहा है आंखों से पानी निकलता है और सूजन आ जाती है, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन होता है ना, जब आई फ्लू होता है तो आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, आंखों से लगातार पानी निकलता रहता है, उसमें सूजन आती है, जिसके कारण से ना देखने में भी क्या होती है, समस्या होती है। इवन बातें करके भी ना मेरी आंखों में बिल्कुल अजीब सा जलन महसूस हो रहा है। फिर देखो लिखा हुआ है कि जिसके कारण से आंखों से साफ नहीं दिखता है। अब बात करते हैं लक्षण, कि कैसे पता चलेगा कि किसी को आई फ्लू हो गया, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, किसी को चोट भी लग गई होगा गलती से, तो आंखों में उंगली वगैरह कुछ भी लग जाती है, पेन लग जाता है, मार कर तो लगता है अच्छा तुम्हें आई फ्लू हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ सिम्टम्स होते हैं उसके, जिससे हमें पहचानना चाहिए कि आखिर आई फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं। कह रहा है आंखों का लाल होना, कि आंखें आपकी लाल हो गई हैं, सफ़ेद रंग का आंखों में कीचड़ आना नॉर्मली आता रहता है जब किसी को आई फ्लू हो जाता है, तो आंखों से पानी बहना, लगातार पानी बहता रहता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल। खुद सोचो कि आप सही सलामत हो, आंखों से लगातार पानी निकल रहा है, कभी कभी होता है ना आंखों में उंगली लग जाती है तो आंखों से पानी निकलता है, तो वो कितना दिक्कत देता है, तो सोचो कितनी दिक्कत होती होगी। फिर कह रहा है आंखों में खुजली और दर्द होना, कि खुजली भी होती, इचिंग होती रहती है और खुजली होती रहती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कितनी भी खुजली होती है ना, कितना भी इचिंग होती होगा आपको, आपको कभी भी अपनी हाथों से अपनी आँख पर टच नहीं करना चाहिए। आपको एक कॉटन का कपड़ा रखना चाहिए साफ फ्रेश बिल्कुल, और उससे आप अपनी आँखों को ठंडे पानी से धुल सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी अपनी आँखों पे अगर आपको इन्फेक्शन हो रखा है तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। और अगर मान लो आपको इन्फेक्शन नहीं हो रखा है फिर भी इस टाइम पर आपको अपनी आँखों को छूने से अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी आपको अपनी आँखें नहीं छूनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे हम क्या करें अगर हमको आई फ्लू हो गया, तो हम करें क्या, क्या कर सकते हैं। लिखा है आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको देखेंगे, तुरंत आपको क्या दे देंगे, आई ड्रॉप, उसका क्या कर सकते हो आप इस्तेमाल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हो गया सबको हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पर बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करना। भले हो गया आप डॉक्टर के पास जाओ, आई ड्रॉप लो, आप सही हो जाओगे। फिर देखो लिखा हुआ है कि आंखों को पानी से साफ करें, आंखों को अपने पानी साफ, गंदे पानी से नहीं, साफ पानी साफ करें, हो सके तो जो घर में आरओ का पानी होता है, फिल्टर का पानी होता है, उससे अपनी आंखों को ठंडे पानी से दिन में 2-3 बार अपने आंखों को खोल के अपना फेस वॉश करें, ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ है आंखों को साफ करने के लिए सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आपको आई फ्लू हो रखा है तो आप काला चश्मा पहने, जिससे आप धूप से भी बचेंगे अगर आप बाहर जाते हैं तो, और बाकी भी इन्फेक्शन बाकी लोगों में नहीं फैलेगा, और आप अपने आँखों को अपने हाथ से बिल्कुल भी टच ना करें, बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि फैलता कैसे है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो उसको अगर मैं देख लूँगी तो मुझे भी हो जाएगा, जबकि आपका बहुत बड़ा भ्रम है। किसी को देखने भर से आई फ्लू नहीं फैलता है, आई फ्लू तब तक आपको नहीं होगा जब तक कि आप उसके संपर्क में नहीं आओ, किसी से कांटेक्ट में आ गए, उसने अपना आँख पे अपने टच करा था, आप उससे गए, आपने उसका हाथ को टच करा, फिर आप अपने हाथ को अपने आँख के पास मुंह के पास लेके गए, तो उससे क्या होता है आई फ्लू फैल जाता है। तो देखने भर से बिल्कुल नहीं फैलता, ठीक है। तो कह रहा है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, कोई किसी को संक्रमण हो रखा है यानी किसी को अगर आई फ्लू हो रखा है उसके संपर्क में जाओगे तो आपको आई फ्लू हो जाएगा,
चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है खांसी और छींक के संपर्क में आने से, सिर्फ कॉन्टैक्ट में नहीं, अगर वो खांस रहा है छींक रहा है तो अगर उसके संपर्क में आओगे ना तो भी क्या हो जाएगा, आपको आई फ्लू हो जाएगा। तो वैसे तो ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, 3-4 दिन में लोगों की ठीक हो जाती है, बट बहुत लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिन भी, मैक्सिमम 14 दिन भी किसी किसी को लग जाते हैं आई फ्लू को ठीक होने में, क्योंकि अपने आप ठीक हो जाती है, ज़्यादा कुछ आपको परेशान तो करती है बट कुछ डैमेज नहीं करेगी। अगर मान लो आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया तो आपकी आंख खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो टेंशन लेने में बात नहीं है। लेकिन हाँ, जितना हो सके उतना क्या करो, प्रिवेंशन करो, क्योंकि ये दर्द बहुत देता है भाई, बहुत ज़्यादा आपके, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, ना कुछ दिखता है, दर्द होता रहता है, आंखों से पानी गिरता रहता है, तो अनकम्फर्टेबल ये बहुत है। इसे जितना हो सके उतना सावधान रहें, जिन लोगों को आई फ्लू हो रखा है उनको थोड़ा सा आइसोलेट कर दें, उनके संपर्क में ना आए, जिससे कि पूरे घर में आई फ्लू ना फैले। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।